एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी तथा पूर्व जिला प्रमुख डूंगरपुर स्वर्गीय चंदूलाल जी गुप्ता की 31वीं पुण्यतिथि पर आज सागवाड़ा में बांसवाड़ा रोड पर समाधि स्थल पर उनके परिवार ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और खड़गदा में श्री क्षेत्र पालन क्षेत्र ट्रस्ट भोजनशाला में जरूरतमंदों को भोजन कराया गया और परिवार ने याद किया। इस अवसर पर चंदूलाल जी के पुत्र मोरध्वज गुप्ता अपने पुत्र तरंग गुप्ता व मनन गुप्ता तथा पुत्र सतीश गुप्ता अपने पुत्र मंथन गुप्ता एवं परिवार के अलावा नाथु दादा अन्न क्षेत्र संचालक धुलजी पाटीदार नटवर लाल भट्ट प्रकाश भट्ट ईश्वर लाल भट्ट ने भी चंदूलाल जी गुप्ता के जीवन के बारे में बताया। आज चंदूलाल जी गुप्ता जो स्वतंत्र सेनानी थे उनकी पुण्यतिथि है। उनके परिजन आज यहाँ अन्न क्षेत्र में भोजन इनकी तरफ से हो रहा है। इसी विषय में इनके जीवन के कुछ पल के बारे में हमको जानकारी देंगे खड़गदा निवासी भट्ट साहब। भट्ट साहब, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बताइए, आज चंदूलाल जी गुप्ता की पुण्यतिथि है और आज कितना जिले अर्पित हुई बताइए। आज हमारे जिले के पूर्व जिला प्रमुख माननीय चंदूलाल जी गुप्ता स्वतंत्र सेनानी की पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में उनके पुत्र मोरध्वज जी गुप्ता श्री सतीश भाई गुप्ता एवं परिवार वालों ने अन्न क्षेत्र में एक भोजन का प्रोग्राम रखवाया है, जिसमें अन्न क्षेत्र में प्रतिदिन 100 से 150 लोग भोजन करते हैं। उन इसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक राशि डोनेट की है, उस राशि की FD करा करके अन्न क्षेत्र द्वारा ब्याज पे प्रतिवर्ष पुण्यतिथि पर भोजन का आयोजन किया जाएगा। आप श्री चंदूलाल जी गुप्ता जिले के पुराने स्वतंत्र सेनानी कांग्रेसी नेता भूतपूर्व जिला प्रमुख एवं इस जिले के लिए बहुत कुछ समर्पण किया है, आपने समर्पण किया है। आपके नाम से डूंगरपुर जिले में बोखला पाल में आज भी एक विद्यालय स्थापित चल रहा है। उनकी 31वीं पुण्यतिथि पर उनके हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं एवं परिवार में सुख समृद्धि एवं वृद्धि के लिए भगवान क्षेत्रपाल से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जी गुप्ता एवं मोरध्वज जी गुप्ता द्वारा जो अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर भोजन के लिए दान राशि दी है, वो अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि प्रतिवर्ष अपने पूर्वजों को माता पिता को पुण्यतिथि के दिन अपन लोग घर पर तो याद नहीं करते, लेकिन अन्न क्षेत्र एक ऐसा है जो पुण्यतिथि के दिन अपने यहाँ जो भी राशि डोनेट करता है उनकी तरफ से भोजन का प्रोग्राम आयोजित होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप श्री सतीश जी गुप्ता एवं मोरध्वज जी गुप्ता ने अपना माता एवं पिताजी दोनों के नाम से यहाँ राशि डोनेट करके एक पुण्य कार्य किया है, भगवान उनको सुख समृद्धि दे और उत्तर उत्तर प्रगति दे, यही प्रार्थना करते हैं। पूज्य पिताजी की समाधि स्थल पर जाके हमने फूल मालार्पण किया। इसके बाद अन्न क्षेत्र क्षेत्रपाल जी के मंदिर में भोजन की व्यवस्था में कुछ राशि दान की थी, उसकी वजह से वहाँ आके अभी सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और भोजन करवा रहे हैं, भोजन कर भी रहे हैं। मेरे पिताजी ने सारी जिंदगी जन सेवा में लगा दी, आदिवासियों के और पिछड़े वर्ग के उत्थान में उन्होंने सारा काम किया। तो उस जमाने में सन 1939 में वो शिक्षा के कार्य में जुड़े, जबकि यहाँ शिक्षा का कोई साधन ही नहीं था। इसके बाद उन्होंने शिक्षा, उस समय राजस्थान सेवा संघ के केवल टोटल स्कूल थे, एक हाई स्कूल केवल मारावल साहब की थी, तो उसको सारे को संचालित किया, राजस्थान सेवा संघ बना के अपने मित्रों के साथ में पूरी तरह से उसको संचालित किया और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया। इसके बाद फिर वो जब राजस्थान का गठन हुआ
तो बिछीवाड़ा के प्रथम प्रधान वो रहे। इसके बाद सारी जिंदगी चलते रहे, वही काम करते रहे, कांग्रेस के 35 साल तक अध्यक्ष रहे जिले के, और जनता की सेवा में ही लगे रहे। कभी कोई काम अपने स्वयं के लिए या परिवार के लिए नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और हमको भी यही शिक्षा दे के गए कि कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखना, अपना जो कर सकते हो वो करना। बस यही, इन्हीं शब्दों के साथ में उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। आप एकता समाचार से आप यहाँ पधारे, आपको खूब खूब धन्यवाद। दादा द्वारा ये अंशत चालू किया गया, वो निरंतर आठ दिन तक चलता ही रहता है। रोज कोई न कोई दानदाता मिलते रहते और ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहा है। पहले तो हमको गांव-गांव घूमना पड़ता, लेकिन अभी दादा की कृपा, क्षेत्रपाल दादा की कृपा से यहाँ पर हमको कहीं भी नहीं जाना पड़ता है, लेकिन सामने से फ़ोन आते हैं और यहाँ राशि भी डोनेट करते हैं। और यहाँ विगत 22 अगस्त 1999 विगत लगातार ये चलता ही रहता है। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे भक्त महाजनों के सहयोग से आगे भी चलता रहेगा, यही मैं भगवान क्षेत्रपाल से कामना करता हूँ। गुप्ता जी, चंद्रलाल जी गुप्ता को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे जिले के प्रथम स्वतंत्र सेनानी थे और उन्होंने जिंदगी भर अच्छा कार्य किया और उस कार्यकलाप को आज की तारीख में सब लोग याद करते हैं। और उनकी 31 पुण्यतिथि के अवसर पर भाई श्री मुर्दोज भैया एवं उनके दोनों पुत्रों ने आज के दिन से शुरुआत कर दी है कि इस अंध क्षेत्र में हर स्थिति के रोज हर वर्ष भोजन हो, और उसके निमित्त उन्होंने राशि दिए। और हम उनका पूर्ण परिवार की तरफ से स्वागत करते हैं। अन्य क्षेत्र परिवार के आप आज से हमारे सदस्य हैं, कोटिश कोटिश आपको धन्यवाद। और आज हमारी बेटी का भी जन्मदिन है, उसके लिए भी ढेरों सारी शुभकामनाएं भाई।